की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। नवी मुंबई में मनसे के कार्यकर्ताओं ने महावितरण कार्यालय के बाहर फोड़ी दही हंडी व महावितरण यानी बिजली विभाग ऑफिस की तोड़फोड़ भी की। लॉकडाउन के दौरान मुंबई महाराष्ट्र में एक समस्या इन दिनों बिजली विभाग को लेकर ज्यादा सामने आ रही है। पहले तो लोग अपनी स्थिति से परेशान हैं और दूसरी तरफ महावितरण यानी बिजली विभाग से महाराष्ट्र मुंबई की जनता परेशान है। पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पक्ष प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को निवेदन दिया था, ज़्यादा लोगों के बिल आए हैं, भेजे गए हैं महावितरण की तरफ से, उसे जल्द से जल्द कम करने का प्रयास करें, नहीं तो मन से अपनी रूप दिखाएगी। यही वजह है कि कल जन्माष्टमी की त्यौहार है और दही हंडी कल फोड़ी जाती है। त्यौहार कल है और आज ही महावितरण के कार्यालय पे मनसे के कार्यकर्ताओं ने दही हंडी तो फोड़ी ही, साथ में कार्यालय की तोड़ फोड़ भी की है। हम आपको दिखा रहे हैं नवी मुंबई में किस तरह से पहले जो है तोड़ी गई ऑफिस जो महावितरण की है, और उसके बाद जो है दही हंडी भी कैसे फोड़ी गई, और फिर मनसे कार्यकर्ताओं ने क्या कहा है वो भी सुनिए आप। काय नेमक काय प्रतिक्रिया तुमची, नेमक आज तुम्ही महाराष्ट्र जे आहे महावितरणचं कार्यालय ते फोडलेलं आहे, काय प्रतिक्रिया आहे? खरं तर सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांनी या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे अगोदरच सूचित केलं होतं की या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेला ही वीज बिलं ही मोठ्या प्रमाणात देण्यात आलेली आहेत, अवाजवी देण्यात आलेली आहेत। तशी ताबडतोब जर कमी करण्यात नाही आली तर महावितरणाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक झटका देईल, आणि ते झटका देण्याचं काम एक 10 ते 12 दिवसांनंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नवी मुंबईच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही केलेलं आहे।